Hello dear students, today we'll do fourth chapter. The name of the chapter is The Shiny Dollar. The theme of this chapter is Fear Factor. There is a twist in this story. Let's read the story and explore the twist. A couple from New York was returning home from a trip to New England. एक कपल जो कि न्यू यॉर्क से था वो अपने न्यू इंग्लैंड के ट्रिप से घर वापस आ रहा था. They were driving home in a carriage. वो घर वापस एक कैरेज में आ रहे थे. कैरेज एक फोर व्हील्स व्हीकल होता है जिसको हॉर्सेस के थ्रू पुल किया जाता है. एंड वर समवेयर नियर स्प्लिस टाउन व्हेन इट बिकेम डार्क. और वो अभी स्प्लिस टाउन के पास ही थे कि अंधेरा हो गया. दे न्यू दे वुड हैव टू लुक फॉर शेल्टर फॉर द नाइट. उन्हें पता था कि उन्हें रात को रुकने के लिए किसी शेल्टर को ढूंढना होगा. द हस्बैंड सॉ अ लाइट थ्रू द ट्रीज. ट्रीज के थ्रू हस्बैंड को एक लाइट दिखाई दी. एंड टर्न देयर हॉर्स इनटू अ स्मॉल लेन लीडिंग अप अ हिल. और उसने अपने हॉर्स को उस छोटे रास्ते, लेन मीन्स पाथ, रास्ता, उस छोटे रास्ते पर टर्न किया जो कि हिल पर जाता था. अ प्लेजेंट लिटिल हाउस स्टूड एट द टॉप. टॉप पर एक सुंदर सा छोटा सा घर था. एंड एन ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ मेट दिस कपल एट द डोर. एक ओल्ड मैन और उसकी वाइफ जो है इस कपल से घर के दरवाजे पर मिले. दे वर इन देयर नाइट क्लोथ्स एंड वर परहैप्स अबाउट टू टर्न इन. वो जो है अपने रात के कपड़ों में थे, मीन्स ऐसे क्लॉथ्स जो कि रात के टाइम पर पहने जाते हैं उन क्लॉथ्स में थे और शायद सोने ही जा रहे थे. टर्न इन मीन्स गो टू बेड इन द इवनिंग. बट दे वेलकम द ट्रेवलर्स एंड ऑफर दैम अ रूम फॉर द नाइट. लेकिन उन्होंने ट्रेवलर्स को वेलकम किया और रात को रुकने के लिए उन्हें एक रूम दिया. द ओल्ड वुमेन बस्टल्ड अबाउट मेकिंग टी एंड ऑफरिंग फ्रेशी बेक्ड हॉट केक्स. ओल्ड वुमेन बस्टल्ड. बस्टल्ड मीन्स मूव्ड इन एन एनर्जेटिक एंड बिजी मैनर. ओल्ड वुमेन जो है एनर्जेटिक और बिजी मैनर में चाय बनाने के लिए और फ्रेशी बेक्ड हॉट केक्स ऑफर करने के लिए उस कपल को इधर उधर मूव करती है. देन द ट्रेवलर्स वर शोन देयर रूम्स. फिर जो है ट्रेवलर्स को उनका कमरा दिखाया गया. द हस्बैंड वांटेड टू पे द ओल्ड कपल फॉर देयर लॉजिंग्स. लॉजिंग होता है किसी जगह पर थोड़े टाइम के लिए रुकना, टेम्परेरी कहीं पर स्टे करना. हस्बैंड जो है अपनी लॉजिंग्स के लिए ओल्ड कपल को कुछ पे करना चाहता था. बट द ओल्ड लेडी शूक हर हेड एंड द ओल्ड मैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी पेमेंट फॉर सच अ स्मॉल सर्विस टू देयर फेलो न्यूयॉर्कर्स. और ओल्ड लेडी ने अपना सिर हिला दिया और ओल्ड मैन ने कोई भी पेमेंट लेने से रिफ्यूज, मना कर दिया उस छोटी सी सर्विस के लिए जो उन्होंने अपने फेलो न्यूयॉर्कर्स को दी थी. द ट्रेवलर्स वोक अप अर्ली एंड टिपटॉड आउट ऑफ द हाउस. ट्रेवलर्स जो है सुबह जल्दी उठे. टिपटॉड, टिपटॉड मीन्स सीक्रेटली वॉक्ड आउट और चुपचाप से घर से बाहर आ गई. लीविंग अ शाइनी डॉलर कॉइन ऑन द सेंटर ऑफ द किचन टेबल. उन्होंने एक शाइनी डॉलर कॉइन जो है किचन टेबल के सेंटर पर रखा. अज्यूमिंग दैट द ओल्ड कपल वुड नॉट मिस इट. और ये अज्यूम किया, ये अंदाज़ा लगाया कि शायद ओल्ड कपल इसको मिस नहीं करेगा, कि भाई हाँ ओल्ड कपल को ये मिल जाएगा. द हस्बैंड हिस्ट अप द हॉर्स एंड दे वेंट अ फ्यू माइल्स बिफोर दे हैड ब्रेकफास्ट एट अ लिटिल रेस्टोरेंट इन स्प्लिस टाउन. और हस्बैंड ने अपने हॉर्सेस को मूव किया और उन्होंने एक स्प्लिस टाउन के एक छोटे से रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट किया. और अपने ब्रेकफास्ट करने से पहले ही वो घर से कुछ माइल्स की दूरी पर आ गए थे. द हस्बैंड टॉक्ड अबाउट द नाइस ओल्ड कपल टू द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट एंड द मैन टर्न पेल. हस्बैंड ने उस नाइस ओल्ड कपल के बारे में रेस्टोरेंट के ओनर को बताया और ये सुनकर रेस्टोरेंट के ओनर का फेस जो है पीला पड़ गया. मीन्स पेल मीन्स क्या होता है, हैविंग लेस कलर देन यूजुअल टिपिकली एज अ रिजल्ट ऑफ शॉक फियर एंड इल हेल्थ. शॉक फियर और इल हेल्थ की वजह से जब हमारा कलर लेस होता हो जाता है, यूजुअल जो हमारा कलर होता है उससे जो हल्का जो हमारी स्किन का कलर पड़ जाता है तो दैट इज कॉल्ड पेल. ओके, Where did you say that house was? He asked. उसने पूछा, तुम वो घर कहाँ पर कह रहे हो? The husband described the location in detail. Husband ने पूरे डिटेल में घर की लोकेशन को डिस्क्राइब किया. You must be mistaken, said the restaurant owner. Restaurant owner ने कहा कि शायद तुम गलती कर रहे हो. That house was destroyed 3 years ago by a fire that killed the Richards family. वो हाउस जो है 3 years पहले फायर से डिस्ट्रॉय हो चुका था और जिसकी वजह से रिचार्ड फैमिली भी मर गई. आई डोंट बिलीव इट, द हस्बैंड सेड फ्लैटली. फ्लैटली मीन्स क्लियरली.
हस्बैंड ने क्लियरली कहा कि मैं नहीं मानता इस बात को. मिस्टर एंड मिसेज रिचर्ड वर अलाइव एंड वेल लास्ट नाइट. मिस्टर और मिसेज रिचर्ड अभी भी जीवित हैं और वो लास्ट नाइट को भी बिल्कुल सही थे. After debating for a few more minutes, the couple and the restaurant owner drove the carriage back out of the town towards the old Richard's place. कुछ और मिनट तक डिबेट करने के बाद ओल्ड कपल वो कपल और रेस्टोरेंट ओनर जो है अपनी कैरेज को वापस उसी जगह पर ले जाते हैं जहां पर रिचर्ड्स का घर था. दे टर्न इन टू द लेन विच वॉज ओवरग्रोन विद वीड्स एंड क्लाइम द हिल्स टू द टॉप. वो जो है उस लेन की तरफ मुड़ते हैं जहां पर वीड्स बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुकी थी. वीड्स होता है अनवांटेड ग्रास और वो हिल की चोटी तक क्लाइम करते हैं. देयर दे फाउंड अ बर्नड हाउस out shell of a house that had obviously not sheltered anyone for a long time. वो जो है एक जला हुआ घर पाते हैं. घर का एक रूम देखते हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से जला हुआ था और obviously यहाँ पर एक लंबे टाइम से कोई भी नहीं रह रहा था. I must have missed the track, said the husband. हस्बैंड ने कहा कि शायद मैं रास्ता भूल गया हूँ. And then his wife gave a terrified scream and fainted in his arms. और तभी जो है उसकी वाइफ ने एक डरावनी चीख निकाली और उसकी आर्म्स में बेहोश हो गई. फेंट होता है बेहोश हो जाना. As he caught her, the husband looked into the ruin. और जैसे ही उसने उसको पकड़ा हस्बैंड ने ruin means खंडर हो जाना, उस खंडर की तरफ देखा. And saw a burnt table with a shiny dollar coin laying in the center. और उसने जो है एक जला हुआ टेबल देखा जिसके सेंटर में एक शाइनी डॉलर कॉइन रखा हुआ था. इट मींस अब हस्बैंड को पता चल गया था कि ये वही घर है जहां पर वो रात के टाइम पर रुके हुए थे. लेकिन ये घर तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय था. मींस हमारी स्टोरी का ट्विस्ट यही है कि वो घोस्ट